हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके ब्लॉगर ब्लॉग के डोमेन को देखिए, इस तरह से एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट कॉम बता रहा है। तो ये मतलब आप इंडिया से ओपन करोगे तो ये ब्लॉग स्पॉट का जो है ये डोमेन नेम, तो ये डॉट इन यहाँ पे बताएगा, डॉट इन पर चले जाएगा। कोई पाकिस्तान से इसे ये ओपन करेगा ये साइट ब्लॉग स्पॉट की हमारी, तो ये पीके बताएगा। तो इसे कैसे हम ये बंद करेंगे, कैसे ऑफ कर सकते हैं ये, मतलब पीके मतलब कोई भी पाकिस्तान से आपका ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग ओपन करेगा पर उसे ये डायरेक्ट डॉट कॉम पर ही दिखाई देगा, मतलब पीके पर, या इंडिया से कोई ओपन करेगा तो डॉट इन पर ना खुलते हुए ये डॉट कॉम पर ही कैसे खुलेगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये ब्लॉग है हमारा ये राम, तो इसे हम व्यू करेंगे तो ये देखिए डॉट कॉम पर से डायरेक्ट डॉट इन पर जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया से हमने इसे ओपन किया है। तो कोई समझ लीजिए यूएस से ओपन करेगा तो यहाँ पे डॉट यूएस या कंट्री का, किसी जिस भी कंट्री से ओपन करेगा तो उसका स्पेसिफिकेशन आएगा। और ये देखिए ये ब्लॉग हमारा टेच फॉर हिंदी का, अब इसे मैं व्यू करता हूँ इंडिया से ही। तो ये देखिए डॉट इन के डॉट इन का एक्सटेंशन लास्ट में नज़र नहीं आ रहा है हमारे ब्लॉग स्पॉट डोमेन में, डॉट कॉम पर ही है ये। तो इसे क्या सेटिंग आप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं कि मतलब डॉट कॉम पर ही रहे, किसी भी कंट्री स्पेसिफिकेशन एक्सटेंशन पर ये आपका ब्लॉगर डोमेन ना खुले, आइए देखते हैं। देखिए ये इस ब्लॉग पे तो मैंने पहले से ही सेटिंग करके रखी है, तो इस पर एग्जांपल के तौर पर ये राम का ब्लॉग है, तो इसमें हम डैशबोर्ड में जाएंगे इसके, ये देखिए। अब इसमें देखिए टेम्पलेट नज़र आ रहा है, टेम्पलेट का ऑप्शन, इसको आप क्लिक कर दीजिए एक बार टेम्पलेट पे, और यहाँ पे देखिए एडिट HTML, एडिट HTML के इस बटन पर क्लिक कीजिए एक बार। क्लिक किया हमने बटन पर तो ये देखिए ये सारा ब्लॉगर टेम्पलेट का ये पूरा कोड नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए ये हेड है, ये आपको दिख जाएगा, आप एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो ये हेड करके एक ये नज़र आ रहा है ये वर्ड। तो इसके नीचे आपको क्या करना है, ये देखिए ये एक कोड है, ये कोड आपको कॉपी करना है। ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड दूंगा कहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए इस कोड को। और ये हेड है ये, इसके नीचे आप इसे पेस्ट कर दीजिए और सेव टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ये वार्निंग ये इस तरह से आ रहा है HTTP, इसे हाइड वार्निंग पे क्लिक कीजिए और सेव टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। सेव टेम्पलेट पे क्लिक किया, अब हम व्यू करके देखते हैं। देखिए ये डॉट इन पर रिडायरेक्ट होना हुआ नहीं, अब इसे पाकिस्तान से या किसी भी बांग्लादेश या किसी भी यूएसए ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री से कोई ओपन करेगा तो ये ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर ही खुलेगा, ये किसी भी कंट्री के एक्सटेंशन के तौर पर खुलेगा ही नहीं, क्योंकि इस कोड की वजह से। ये देखिए ये कोड था हमारा, ये स्क्रिप्ट है, तो इसे आप कॉपी करके यहाँ पे हेड के नीचे इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट किया है हमने यहाँ पे ये कोड, और सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये रिडायरेक्शन होने से बंद हो जाएगा, मतलब आप इंडिया से भी ओपन करोगे तो डॉट कॉम ही नज़र आएगा, आपका कोई भी यूज़र इसे डॉट कॉम पर ही देख सकता है अभी। तो क्यों मतलब इसका क्या डॉट इन पर ये खुलता है, कभी डॉट पीके पर खुलता है, तो उससे क्या आपका सोशल नेटवर्किंग थोड़ा स्टेटस मतलब कम हो जाता है, मतलब ऐसा देखा गया है कि मतलब कुछ खामियां है इस वजह से डॉट कॉम ही एक्सटेंशन रिडायरेक्ट हो रहा है, वो ख़त्म करके डॉट कॉम पर ही रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है ब्लॉगर में
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में इस कोड की लिंक ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं आपके ब्लॉगर ब्लॉग पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।